नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को HRTC की बसों में सफर करने पर 50% किराए में छूट मिली हुई है। अब इस पर नई बहस छिड़ गई है। हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता की दलील है कि महिला और पुरुष को जब बराबर का दर्जा मिला है तो बस किराया भी एक समान होना चाहिए। प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार द्वारा महिलाओं को 50% बस किराए में छूट देने की चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। याचिका निजी बस के ऑपरेटर यूनियन द्वारा नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टर रमेश कमल की ओर से दायर की गई है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस याचिका को निजी तौर पर दायर याचिका माना और सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं इस मामले में प्रधान सचिव व निर्देशक परिवहन ने कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से बताया था कि सरकार को इस फैसले से परिवहन निगम को लगभग 60 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई थी कि परिवहन निगम ने 31 मार्च 2022 तक 231 करोड़ रुपए का रोड टैक्स अदा नहीं किया है। न्यायालय को बताया गया था कि महिलाओं को किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है, जिसे 25% से बढ़ाकर 50% किया गया है। महिलाओं को बस किराए में छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने और उसे कैबिनेट ने मंजूरी और उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। रमेश कमल ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है। महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जारी करने को भी प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।